यह कहानी एक ऐसे गरीब लड़की है जिसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वह पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहता था, पर गांव वाले उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। ये बनेंगे कलेक्टर, मैं हजार हुए हजार हो गए। हमारे भी सपना था कलेक्टर बनने का, लेकिन आज देखो भैंस का गोबर उठा रहे हैं। कुछ काम धंधा देखो यार, क्या कलेक्टर वलेक्टर बन रहे हो। तुम लोग जब किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते तो उसका हौसला गिराओ भी मत, देखना मैं एक दिन कलेक्टर बन के दिखाऊंगा। और वह गांव वालों की कड़ी हुई बातों को अनसुना कर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता था। अरे कलेक्टर साहब, हमारी भी अर्जी लगवा दो, हमारी भैंस दूध नहीं दे रही है, क्या पता आपकी अर्जी से हमारी भैंस दूध देने लग जाए। उसी गांव की सड़क से एक शहरी लड़की गुजरती थी और उस लड़के को पढ़ता देख वह लड़की बहुत खुश हो जाती थी। और एक दिन वह लड़की उस लड़के के पास आती है और बोलती है, सुनिए पढ़ाई को लेके आपका ये लगाव मुझे बहुत पसंद आया। आपकी सारी बात ठीक है, पर मेरे पास अब आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है। ये लो 20,000 रुपए, पैसे की चिंता मत करना, पढ़ाई आगे जारी रखना। और मुझे पता है ये गांव वाले आपको बहुत मजाक उड़ाते हैं, पर आप पढ़ाई कभी मत छोड़ना, क्योंकि आगे चल के ये पढ़ाई तुम्हारी ताकत बनेगी और इन गांव वालों का मुंह बंद हो जाएगा। और जी आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अरे कहाँ पढ़ाई। अच्छा पहले तुम मेरी सुनो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो मैं ना तुमसे प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी मेरे होने वाला पति कलेक्टर हो। वो जो तुमने पैसे दिए थे वो तो सब खर्च हो गए। ओहो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पैसे की चिंता मत करो, ये लो 50,000 रुपए, और जब कलेक्टर बन जाओ तो लौटा देना। और एक दिन वह लड़की गांव में आती है और उस लड़के को वहां ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। भैया जो कलेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उनका घर कहाँ है? वो जो सामने वाला घर देख रहे हो वो नहीं कहा है। चला गया वो, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, पर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अरे क्या हो गया, तुम लोग इतना रो क्यों रहे हो? अरे चला गया वो, अब वापस नहीं आएगा। क्या, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऊपर वाला अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेता है। अच्छा इंसान, बेचारे का कलेक्टर बनने का भी सपना अधूरा रह गया। अरे कलेक्टर तो बन गया है वो। वो कैसे? ये देखो मेरे 20 लाख, इसके 25 लाख, इसके 27 लाख, इसके 1 लाख, इसके 4 लाख, पूरे कुल मिला के पूरे 585 कलेक्ट करके भाग गया तुम्हारा कलेक्टर। क्या? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो शीतल है। शीतल मोटी मुर्गी। ओहो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पैसे की चिंता मत करो, ये लो 50,000 रुपए, ये लो 20,000 रुपए। अरे लूट लिया कुत्ते कमीने ने मुझे भी।